हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा डॉट न्यू ट्यूटोरियल। गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्यू डेटा से हम डेटा कैसे पास कर सकते हैं कंट्रोलर टू व्यू। ठीक है, तो चलो हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हम एक कंट्रोलर ऐड कर देती हूँ, ऐड कंट्रोलर। आफ्टर दैट यहाँ पे थ्री ऑप्शंस यहाँ पे आपको शो होंगे, एम्प्टी, रीड राइट एक्शन और कंट्रोलर विद व्यू यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आपको जस्ट यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है एम्प्टी वाला, वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आफ्टर दैट मैं यहाँ कर देती हूँ हमारा कंट्रोलर ऐड। ये देखो, ये स्क्रीन ओपन हो गई है। यहाँ पे आपको देना है कंट्रोलर का नेम। यहाँ पे मैं दे देती हूँ टेस्ट स्टूडेंट दे देती हूँ। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर, यहाँ पे नाम दे दिया और आपको जस्ट क्लिक करना है ऐड के ऊपर। ये देखो, यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट कंट्रोलर हमने अभी ऐड किया था यहाँ पे शो हो रहा है। और इस स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर ये देखो, ये इंडेक्स मेथड है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आई। तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, उसका व्यू क्रिएट कर लेती हूँ। तो ऐड व्यू, आपको व्यू ऐड करना है तो MVC5 ये सिलेक्ट करना है, आफ्टर दैट ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू का नेम जो है आपको देना है, यहाँ तो मैं इंडेक्स ही रहने देती हूँ। और यहाँ से टेम्पलेट जो है आपको सेट करना है। तो अभी तो हमारे पास मॉडल नहीं बना है, तो यहाँ पे मैं एम्प्टी विदाउट मॉडल ले लेती हूँ। आफ्टर दैट करना है आपको ऐड। ये देखो, यहाँ पे हमारा इस इंडेक्स एक्शन रिजल्ट मेथड का हमने एक व्यू यहाँ पे जस्ट क्रिएट किया। तो हमारा पॉइंट जो था आज का, हाउ टू पास डेटा कंट्रोलर टू व्यू बाय यूजिंग व्यू डेटा। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल इंडेक्स मेथड है। इस इंडेक्स में मैं क्या कर देती हूँ, कुछ वैल्यू स्टोर करवा देती हूँ व्यू डेटा के अंदर। ठीक है, व्यू डेटा और उसके अंदर ये रही उसकी की। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ मैसेज, और उस मैसेज में दे देती हूँ व्यू डेटा मैसेज। ठीक है, ये मैसेज तो मैंने इस व्यू डेटा के अंदर स्टोर करवा लिया। तो व्यू बैक से भी हम डेटा पास कर सकते हैं कंट्रोलर टू व्यू, और व्यू डेटा से भी कर सकते हैं, और टेम डेटा से भी कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कंट्रोलर टू व्यू डेटा पास कर सकते हैं हम बाय यूजिंग व्यू बैक। इस वीडियो में हम देख रहे हैं व्यू डेटा से हम वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं हमारे व्यू के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक जस्ट हमारी सिंपल इंडेक्स मेथड थी, और उस इंडेक्स मेथड के अंदर ये मैंने एक जस्ट मैसेज स्टोर करवा लिया। किसके अंदर, इस MSG के अंदर। और ये वैल्यू कहाँ पे, किस पे स्टोर हो गई, व्यू डेटा के अंदर। अब मुझे क्या करना है, ये मैसेज जस्ट प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, ये मैसेज जो है हमारा, उसको कॉपी कर लेती हूँ। तो कंट्रोल सी कर देती हूँ, आफ्टर दैट गो टू व्यू, ये हमारे व्यू का पेज ओपन हो गया। आफ्टर दैट ये पेस्ट कर लेती हूँ। आपको यहाँ पे याद रखना है, हमारा जो इंडेक्स का पेज है उसका एक्सटेंशन क्या है, CSHTML। तो मैंने बोला था रेजर व्यू इंजन हम यूज कर सकते करते हैं हमारी व्यू के अंदर। तो ये हमारा C# का कोड है, लेकिन मुझे डिस्प्ले करवा है ना, जो हमने वैल्यू स्टोर करवा दी थी इस मैसेज के अंदर। क्या वैल्यू स्टोर करवा दी थी, व्यू डेटा मैसेज। तो मुझे ये हमारे व्यू के पेज के अंदर चाहिए। तो आप हम यूज करते हैं रेजर व्यू इंजन। तो आपको जस्ट @ देना है यहाँ पे, और दैट्स इट। और कंट्रोल एस करना है और हमारा एप्लीकेशन रन करना है। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। ये देखो, ये हमारा इंडेक्स मेथड है, और इस इंडेक्स मेथड के अंदर व्यू डेटा मैसेज। ये जो हमारा इंडेक्स मेथड है, इस इंडेक्स मेथड पे हमने क्या किया, जो हमारा कंट्रोलर था
उस कंट्रोलर के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी थी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इस व्यू डेटा के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी थी, व्यू डेटा आफ्टर दैट मैसेज, और इसी मैसेज को हमने कॉपी किया। ये देखो ये मैसेज हमने कॉपी किया और जस्ट यहाँ पे डाल दिया, तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या है, व्यू डेटा मैसेज जो हमने कहाँ स्टोर करवा दिया था, ये देखो यहाँ पे व्यू डेटा मैसेज आ गया। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं क्या कर लेती हूँ, व्यू डेटा की हेल्प से मैं करंट टाइम निकाल लेती हूँ। तो व्यू डेटा आपको देना है, उसके अंदर करंट टाइम, और करंट टाइम जो है निकालते हैं हम डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू लॉन्ग टाइम स्ट्रीम। ठीक है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हमारा करंट डेट टाइम निकाला है, तो मैं यहाँ पे हमारा पेज रिफ्रेश कर देती हूँ, तो यहाँ पे वो शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट हमने यहाँ पे ऐड किया है, हमारे व्यू के पेज के अंदर हमने डिफाइन किया क्या नहीं किया। तो आपको क्या करना है, जस्ट ये कॉपी करना है, कंट्रोल सी, हमारा इंडेक्स पेज ओपन करना है, इस इंडेक्स पेज के अंदर वो पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको एट द रेट साइड लगाना है। जब भी हम सी शार्प का कोड ऐड करते हैं हमारे व्यू पेज के अंदर, तो आपको एट द रेट साइन देना जरूरी है। अब यहाँ पे आती हूँ, हमारा पेज रिफ्रेश कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम नहीं दिखा रहा, क्यों? मैं फिर से एक बार रन करके दिखा देती हूँ। ये देखो हमारा जो हमने मैसेज स्टोर करवा दिया था व्यू डेटा के अंदर वो भी प्रिंट हो गया, और जो हमने टाइम भी दिया था, अभी करंट टाइम जो दिया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इसी तरीके से हम व्यू बैग, व्यू डेटा और टाइम डेटा की हेल्प से कंट्रोलर टू व्यू से डेटा पास कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए होते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर लेना, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेम डेटा क्या होता है सी शार्प के अंदर। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो।